आज विकास संवाद कार्यालय पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में परियोजना के 19 गांव के 30 कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में कृषि विकास पौड़ी के सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी श्री रवि सिंह शर्मा और विकास संवाद के जिला समन्वयक अजय यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज के प्रशिक्षण के उद्देश्य पर जिला समन्वयक अजय यादव द्वारा बताया गया कि आज हमारे यहाँ सब लोग परंपरागत और जैविक खेती को भूल गए हैं, रासायनिक खेती की तरफ बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। हमें आज नुकसान भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें लोगों में बीपी, हाई डायबिटीज़, कैंसर जैसे अनेक बीमारियां देखने को मिल रही है। हमें इन सब से बचने के लिए अपनी परंपरागत और जैविक खेती को लाने की बहुत ज़रूरत है। सहायक कृषि विस्तार अधिकारी श्री रविशंकर शर्मा जी द्वारा बताया गया कि आज रासायनिक और अच्छी मुनाफा की खेती को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जबकि जैविक खेती रासायनिक खेती से ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। बस हमको अच्छी तरह से करने की विधि पता होना चाहिए। जैविक खेती में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और आज जो हम इन बीमारियों को देख रहे हैं वो भी देखने को नहीं मिलेगी। जैविक खेती के लिए हमें अपने घर में ही जैविक बीज तैयार करना होता है, खाद तैयार करना होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात है कि इन सब चीज़ों को हम सदियों से करते आ रहे हैं, उन्हीं को फिर से अपनी खेती में करने की हमें ज़रूरत है। अजय यादव द्वारा बताया गया कि अपने सभी गाँव में बीज बैंक है, उसमें सभी देसी बीज है, उन्हें हमें संरक्षण करना चाहिए और अपनी खेती में बुआई करना चाहिए। ज़्यादा ना भी करें तो इतना तो करना चाहिए कि अपने परिवार के उपयोग के लिए तो वो हो सके, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौड़ी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चार दिन हमने गेहूं की रोटी खा ली, दो दिन बाजरा की खा ली, चार दिन ज्वार मिल जाता, ज्वार है, मकान मिल जाता, मकान इस तरह से खाते रहे तो शरीर का जो तत्व है जिन्हें जरूरत पड़ रही है वो मिलती रहे। कोई कुपोषण की समस्या जो आज पूरे देश में हमारा नाम बदनाम होता है, कैसा आदिवासी समाज का कुपोषण की समस्या है, तो हमारे नाम से ही अस्पताल वाले और जनक कौन कौन से विभाग वाले कुपोषण के बड़े बड़े डिब्बा आंगनबाड़ी फैलाने वाले आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ चले आता होगा अनजाने का, कोई बात नहीं अपन नहीं कह सकते चीज को, लेकिन वो बच्चे बेचारे अपने कमजोर और बीमार देखते हैं तो उसके लिए जो माताएं बहनें हैं इनको भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा। आप तो चाहते आप घर में तो ये मुर्गी पालन भी कर सकते हो, मछली पालन भी कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात जैसे इन्हें बताया यादव साहब ने कि आपने यहाँ बीज बैंक है और वो भी देसी पुरानी चीज की। आप दादा जी देखना पुराना जो बीज थे वो स्वादिष्ट तो थे ही, स्वाद में बहुत अच्छे लगते थे, चाहे सब्जियों के बीज हों, फलों के हों, फसलों के हों, वो स्वाद तो गई नहीं इनमें। चाहे अपना आलू खा ले, पहले नए आलू आते थे कितने बढ़िया लगते थे।